हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के हम लोग 32 टेस्ट अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 33वां टेस्ट है। तो चलिए 33वें टेस्ट में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, इसमें मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। ये भी आपका सही था। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपके दोनों कथन सही है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1884 में एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की और उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे का दौरा किया इन्होंने। प्रथम सत्र का आयोजन कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र इसका कहाँ होना था? पूना में। लेकिन वहाँ हैदरा महामारी जैसी बीमारी फैलने के कारण इसका स्थल चुना गया बॉम्बे को। बॉम्बे में इसका पहला सत्र हुआ। इस संगठन के पहले सत्र का आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1885 में हुआ। इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी की सलाह पर यूनियन शब्द, पहले यूनियन शब्द की के स्थान पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये कांग्रेस शब्द दादाभाई नौरोजी की सलाह पर जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहले में आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, भारत से बाहर सक्रिय रहे क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। सही है। अमेरिका हिंद एसोसिएशन साप्ताहिक अखबार गदर का प्रकाशन करता था। ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका एक और दो सही है, तीसरा कथन गलत है। जो आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1897 में लंदन में की थी। ठीक है। और हिंद एसोसिएशन की स्थापना आपके सोहन सिंह भाकना ने की थी 1 नवंबर 1913 को। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना थी, जो इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। लेकिन कुछ समय बाद इसका प्रशासन उन्होंने स्वेच्छा से सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के रास बिहारी बोस साहब। ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक और दो कथन इसमें सही थे। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह कनाडा के होम रूल लीग से प्रेरित था। यह आपका गलत है। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की शुरुआत की तथा द हिंदू और केसरी नामक दो समाचार पत्रों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। ये भी आपका गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने भी एक होम रूल लीग की शुरुआत की जो महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांतों के क्षेत्रों पर केंद्रित था। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका एक कथन और दो कथन गलत है, तीसरा कथन आपका सही है। एनी बेसेंट ने आयरिश होम लीग से, कौन से? आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट ने अपने दो समाचार पत्रों में, कौन कौन से?
द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया था। तिलक ने भी 28 अप्रैल 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी और उन्होंने अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी के माध्यम से इसे प्रसारित किया था। ठीक है, याद रखना। और एनी बेसेंट साहब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट 1917 में। इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसमें आपका एक कथन और दो कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिए कि इस तरह की जो भी PDF होती हैं आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ये आपका गलत है। प्रांतीय विधायिकाओं में गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति थी, ये आपका सही है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना के रूप में जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1919 था उसे मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था, और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो सुधार में आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। MPL और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। केंद्र सरकार ने सरकारी सदस्यों की बहुमत को बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत को अनुमति प्रदान की गई थी। इसके तहत भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषद के लिए नियुक्त किया गया था। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने के अधिकार दिए गए थे, किंतु वे बजट पर कानून पारित नहीं कर सकते थे या बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये सभी आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिले हुए थे। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है पांचवा, 1883 का एडवर्ड बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 1883 का जो एडवर्ड बिल था यह आपका ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से संबंधित था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा छठवा, क्या है क्वेश्चन है छठवा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 1899 के एंग्लो बोअर युद्ध में गांधी ने सरकार का समर्थन किया था, सही है कथन। सत्याग्रहियों के परिवार को आश्रय देने और सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए गांधी ने फीनिक्स और टॉल स्टॉय फार्म का गठन किया था, ये आपका सही है। तो छठवें में आपका दोनों कथन सही है, क्या है दोनों कथन सही है, तो इसमें सी होगा। क्वेश्चन है सातवां, क्या है क्वेश्चन नंबर सातवां है, भारतीय कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की समस्या पर ध्यान देता है, सही है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ने पुरुष और महिला दोनों के लिए कार्य करने की अधिकतम घंटे निर्धारित कर दिए थे, ये आपका गलत है। इसमें घंटे काम करने का समय निर्धारित नहीं किया गया था,
ये नियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी के बागानों पर लागू नहीं होते थे। ये आपका सही है। तो क्या है, सातवें में आपका एक और तीन सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, सातवें का बी होगा। क्वेश्चन है आठवां, क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम दल संबंधित नेताओं में शामिल नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम दल संबंधी नेताओं में शामिल नहीं है इनमें से, तो याद रखना है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और कृष्ण कुमार मित्र, ये आपके उदारवादी या नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता से। और बिपिन चंद पाल और अरविंद घोष ये आपके चरमपंथी नेता थे, या इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गरम दल के नेता। ठीक है, तो इसमें चार और पांच आपके कौन थे, गरम दल वाले नेता या चरमपंथी नेता, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण कुमार मित्र, ये आपके थे नरम दल के नेता। तो इसमें होगा क्या, चार और पांच, आठ में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा नौ, क्या है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शुरू की गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम, मशहूर पारंपरिक उत्सवों का आयोजन, तीनों कथन सही हैं। नौवीं में आपका डी होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 1905 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। उस समय बंगाल प्रांत में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम शामिल थे। क्वेश्चन है हमारा 10, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो सूरत विद्रोह, रौलट एक्ट, पूना पैक्ट, नौसेना विद्रोह, बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। इसमें सूरत विद्रोह आपका 1907 में हुआ और जो रौलट एक्ट आपका 1919, और पूना पैक्ट आपका 1932 के करीब, और शाही नौसेना विद्रोह आपका 1946 में। ठीक है, तो इसमें क्या है, 10 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 11, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतिवादियों के नियंत्रण में थी, ये आपका गलत है। कर्तव्य समझने के साथ साथ रियायत प्राप्ति हेतु सौदेबाजी की भावना से INC ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया, ये आपका सही है। कथन दो सही है और कथन एक गलत है। 1907 में सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों के नियंत्रण में थी। जब 1914 में पहली बार विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व था और गरमपंथियों ने अपना प्रभाव एवं नियंत्रण खो दिया था इस समय। ठीक है, 11 में आपका दूसरा कथन केवल सही था। क्वेश्चन है हमारा 12, क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रांतीय विधायिका प्रकृति में द्विसदनीय थी, ये आपका गलत है। इसमें सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी, ये आपका सही है। केवल दूसरा कथन आपका सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एक हस्तांतरित और दूसरी आरक्षित।
इस अधिनियम ने प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की और प्रांतीय विधानमंडल में केवल एक सदन विधान परिषद शामिल था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो ये थे आपके अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1905 में अवनींद्र टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार IT अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। RTE अधिनियम 0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये आपका गलत है। RTE अधिनियम विद्यालय में गैर नामांकित बच्चों को एक उपयुक्त आयु तक विद्यालय में प्रवेश भर्ती का प्रावधान करता है। ये आपका सही है। क्या है? दूसरा कथन सही है, पहला कथन आपका गलत है। अनुच्छेद 21-1, अनुच्छेद 21-1 और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE अधिनियम के शीर्षक में निशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित किया गया है। यह मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों, जैसे 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। ठीक, 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष। तो इसमें 14 में आपका दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से किसका संबंध राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है? भारत का पवन एटलस सही है, भारत का सौर एटलस ये भी आपका सही है, भारत का बायोमास एटलस ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसे पहले पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में जाना जाता था, वे भारत के पवन एटलस का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान सौर विकिरण की उपलब्धता का आकलन करने तथा उसकी मात्रा का निर्धारण करने और देश में सौर एटलस का निर्माण करने के लिए विकिरण आकलन संसाधन केंद्र से भी आंकड़े इकट्ठित करता है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने भारत का बायोमास एटलस तैयार किया है। किसने? राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने। तो इसमें 15 में आपका 1 और 2 था, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द इन्वायरमेंट ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक वातावरण का अध्ययन करने के लिए छात्रों और शिक्षकों और वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करता है। ये आपका सही है, क्या है? सही है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और यूके सरकार ने भारत में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वर्ष 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका 1 सही है, दूसरा आपका गलत है। पर्यावरण वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार ने, किसने? भारत सरकार और अमेरिकी सरकार ने, ना कि यूके सरकार ने। अमेरिकी सरकार ने भारत में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वर्ष 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 16 में आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन हमारा 17 क्या है? कभी कभार समाचारों में दिखने वाला MCA 21 पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका कंपनी अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताओं के विवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं की। तो इसमें 10 में आपका सी है। क्या है? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवरेज प्रदान कर किया जा गया है। सही है। NFSA में अंत्योदय अन्न योजना शामिल की गई, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके दोनों कथन सही है। कौन से हैं? दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 19 क्या है? सबला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सबला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपकी 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को पोषण और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही उन्हें कौशल जीवन शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना। सी ऑप्शन सही है। 9 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 20वां। 19 का आपका सी था, 20 का ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह UNFCCC के तहत भारत और अमेरिका के बीच निर्मित एक द्विपक्षीय कोष है। गलत है। GCF का उद्देश्य कम उत्सर्जन और जलवायु लचीले विकास में निवेश करने के लिए जलवायु वित्त के प्रवाह को उत्प्रेरित करना है। ये आपका सही है। दूसरा आपका सही है, एक आपका गलत है। क्या है? एक आपका गलत है। वर्ष 2010 में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फैम्बर्ग कन्वेंशन के पक्षकार 194 देशों द्वारा वित्तीय तंत्र के हिस्से के रूप में इस कोष की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य कन्वेंशन के सिद्धांतों और प्रावधानों के निर्देशानुसार समन और अनुकूलन के लिए समान मात्रा में धन वितरित करना है। क्या है? समान मात्रा में धन वितरित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका पी ऑप्शन सही था, केवल 2। क्वेश्चन है हमारा 21 क्या है? क्वेश्चन है 21 दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस संहिता के संचालन की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय भारत सरकार को सौंपी गई है। गलत है। यह संहिता कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फार्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करती। सही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंच को कोर्ट द्वारा प्रदत्त न्यायाधिकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उपयोग करने के लिए नामित किया गया है। ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 में 2 और 3 सही है, एक आपका गलत है। सही क्या होगा इसमें? एक में भारत सरकार नियम 1961 में संशोधन किया गया, जिसमें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को इस संहिता में संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को। ठीक है, तो 21 में आपका 2 और 3 सही था। क्वेश्चन है आपका 22 क्या है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत सीमित देयता भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक साझेदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त देनदारियों से व्यक्तिगत भागीदारों के हितों की रक्षा करता है। सही है।
भागीदारों की देयता व्यवसाय के सामान्य तौर तरीकों की पिति होने होती है, ना कि भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में आपके दोनों कथन सही है, तो इसमें आपका सी सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 23, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना वर्ष 1988 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वतंत्र व स्वायत्त शासी खंड के रूप में की गई थी। ये आपका सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण पूर्ण शिक्षा कार्यक्रमों और संस्थानों के समग्र नियोजन एवं प्रबंधन तथा वित्त पोषण की शीर्ष एजेंसी है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 24, क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्राधिकरण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अगर आप लोग IAS या PCS की तैयारी वहाँ से कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस शब्द का बहुत महत्व है। आपके लिए रामबाण है NCERT किताबों, NCERT स्कूली शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है, सही है? यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की एक उप इकाई है। ये आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन आपका सही है। NCERT की प्रमुख घटक इकाइयां हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और उमियम मेघालय में 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं इसके। 24 में आपका केवल एक सही था। क्वेश्चन है 25वां, क्या है? कॉर्पोरेट कॉपीराइट बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कॉपीराइट बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन सितंबर 1958 में किया गया, सही है? कॉपीराइट बोर्ड का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में फैला हुआ है, सही है? कॉपीराइट बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो अन्य स्थायी सदस्य होते हैं। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके तीनों कथन सही है, क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा 25 का। तो चलिए, ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह के अन्य क्वेश्चन हम लोग लेते रहेंगे और उन्हें भी देखते रहेंगे, ठीक है?